हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन पर बेस्ड सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन। आने वाले वीडियोस में आपको कार्टेशियन, पोलर, जितने भी टाइप्स के होते हैं उन सबके न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें। तो क्वेश्चन क्या कहती है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैराबोलॉइड generated by revolution of the parabola y square is equals to 4ax about the x-axis. Main चीज़ है, from x is equal to 0 to x is equal to h तक। ठीक, तो ये क्लियरली ये हमारा कार्टिजन फॉर्म है क्योंकि x और y में बिलोंग कर रहे हैं, कार्टिजन फॉर्म है। ठीक, तो पहले आप क्या बनाइए, एक पैराबोला बनाइए। ये हमने एक पैराबोला बना दिया। ठीक, और जो हमारा लाइन है वो कौन सा लाइन कट कर रहे हैं हमें, x बराबर h, ये लाइन गई है। और दूसरा हमारा x स्क्वायर टू जीरो, या इनके बीच में हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें एक स्ट्रिप लेनी होगी। ये स्ट्रिप ले ली मैंने इसके रिगार्डिंग, x एक्सिस के रिगार्डिंग जो स्ट्रिप मैंने ली है यहाँ पर, उसकी जो लेंथ रखी है मैंने, विथ जो रखी है मैंने, वो डेल एक्स रखी है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है ना, वो होता है पाई वाई स्क्वायर डेल एक्स। ये सिर्फ इसकी बात हो रही है, इस रीजन की बात हो रही है। अगर हमें पूरे संपूर्ण रीजन की बात करनी है तो इंटीग्रेशन करके लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी होगी, जीरो से एच तक। ओके, और एक फार्मूला ये होता है, जब आप लिमिट लेंगे ना, अब बोलेगा आपका एक्स एक्सिस में, तो फार्मूला लगता है रिक्वायर्ड वॉल्यूम का, इंटीग्रेशन ए टू बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। तो हमारा जो लिमिट है ए, वो जीरो से एच में जा रहा है, तो यहाँ जीरो से एच फार्मूला होता है पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4ax यहाँ रख दिया, 4a बाहर आ गया। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें।